नमस्कार, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट विजार्ड्स। आज की वीडियो में हम बारक इंजीनियरिंग लिमिटेड शेयर का डिटेल्स में टेक्निकल एंड फंडामेंटल को एनालिसिस करेंगे। स्टॉक का प्राइस में किस टाइप का प्राइस सेटअप शो कर रहा है एंड आने वाले टाइम में क्या प्राइस मूवमेंट हो सकता है, क्योंकि स्टॉक का प्राइस एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के बाद अभी पुल बैक करके उसका सपोर्ट के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है एंड इस सपोर्ट के बाद किस टाइप का मूवमेंट आएगा अभी हम आगे चार्ट में कवर करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज यूजुअल किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले या एनालिसिस करने से पहले आपको पता होना चाहिए उस स्टॉक का सेक्टर क्या है एंड इंडस्ट्री क्या है। अगर आप स्टॉक का सेक्टर देखेंगे ऑटो एंसिलरीज का, इंडस्ट्री है ऑटो एंसिलरीज का। जैसे कि स्टॉक का जो मार्केट कैप है अराउंड 7816 करोड़ का एंड इस कंपनी के पास जो रिजर्व कैश है 1019 करोड़ का। करंट प्राइस चल रहा है 512 का एंड बुक वैल्यू अवेलेबल है 68 का एंड इंडस्ट्री पिक का आधा में यहाँ पे स्टॉक का पी अवेलेबल है 15 में। डेप इक्विटी थोड़ा सा हायर साइड के ऊपर रेड फ्लैग है, अबव 1 है 1.39। प्राइस टू बुक वैल्यू है 7.55। लास्ट 5 ईयर का रिटर्न नेगेटिव, लास्ट 3 ईयर का रिटर्न 2% एंड लास्ट 1 ईयर से स्ट्रॉन्गली स्टॉक का प्राइस आउट परफॉर्म कर रहा है एंड 10% रिटर्न यहाँ पे डिलीवर किया है। और अभी हम क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस के ऊपर सेल्स एंड नेट प्रॉफिट देखेंगे तो देखिए सेल्स यहाँ पे लगभग फ्लैट है लेकिन नेट प्रॉफिट यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है। अब भी हम चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। प्रमोटर होल्डिंग कर रहे 75% जो कि पॉजिटिव साइन है, अबव 50% मार्क है। एफआई के पास माल है 4.57%, बीआई होल्ड कर रहे हैं 11.4% एंड रिटेल यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं ओनली 9% जो कि पॉजिटिव साइन है। किसी भी स्टॉक में रिटेल पार्टिसिपेशन बिलो 20% आप उसको पॉजिटिवली कंसीडर कर सकते हैं एंड इस स्टॉक में तो रिटेल यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं ओनली 8% 8.99% जो कि पॉजिटिव साइन है। उसके साथ टेक्निकल चार्ट सेटअप भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। तो चलते हैं चार्ट के ऊपर। जैसे कि आपके स्क्रीन के सामने देखिए जो चार्ट ओपन हुआ है भारत इंजीनियरिंग का एंड टाइम फ्रेम सिलेक्ट हुआ है वीकली। जैसे कि स्टॉक का प्राइस ईयर 2018 में यहाँ पे टॉप क्रिएट किया था, उसके बाद देखे कॉन्टिन्यूअसली प्राइस यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा था। अब मल्टीपल टाइम एनालिसिस किए कि प्राइस ऑलवेज एक चैनल को फॉलो करता है। प्राइस अगर ऊपर जाएगा एक अप ट्रेंड चैनल, नीचे आएगा एक डाउन ट्रेंड चैनल एंड कंसोलिडेशन करेगा तो एक फ्लैट चैनल के अंदर कंसोलिडेशन करता है। एग्जैक्टली देखिए स्टॉक का प्राइस यहाँ पे डाउन ट्रेंड चैनल को फॉलो कर रहा था एंड डाउन ट्रेंड चैनल को यहाँ पे ब्रेकआउट किया था ईयर 2021 में। उसके बाद देखे प्राइस के लिए जो रेड लाइन जा रहा है ना, जो कि लेवल बन रहा था 470 के आसपास, उसी लेवल से प्राइस के यहाँ पे मल्टीपल टाइम सप्लाई मिला है। इसका मीनिंग है कि जो रेड लाइन यहाँ पे जा रहा था स्टॉक का प्राइस के लिए था एक मेजर एंड मल्टी ईयर का रेजिस्टेंस, जिस लेवल को प्राइस यहाँ पे ईयर 2023 में यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया था। आज पर द प्राइस एक्शन, अगर प्राइस कभी भी कोई भी एक मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करने के बाद अगर प्राइस पुल बैक करेगा वही रेजिस्टेंस अभी के लिए आर्ट एज ए सपोर्ट। एग्जैक्टली देखिए ये रेड लाइन जो यहाँ पे प्रीवियसली रेजिस्टेंस जैसा काम कर रहा था, प्राइस उसको ब्रेकआउट करने के बाद देखिए वही लेवल अभी के लिए आर्ट एज ए सपोर्ट जैसा काम कर रहा है एंड जिस टाइप का प्राइस मल्टी ईयर को आने के बाद मॉल्टियर का सपोर्ट के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है, हाई प्रोबेबिलिटी के आने वाले टाइम में प्राइस यहां से अप मूवमेंट कर सकता है। ये तो हो गया वीकली सेटअप। अगर डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे, देखिए डेली टाइम फ्रेम में एग्जैक्टली उसका मेजर सपोर्ट को टेस्ट करने के बाद यहाँ पे अप मूवमेंट दे रहा है। अगर प्राइस यहाँ पे उसका जो प्रीवियस स्विंग लो बन रहा है 400 उसी लेवल को होल्ड कर लेता है, इसी लेवल को ब्रेक नहीं करेगा 400 लेवल को, तो आने वाले टाइम में कंटिन्यूएशन मूव आ सकता है। शॉर्ट टर्म में जाकर प्राइस टेस्ट करेगा 630 जो कि यहाँ पे लेटेस्ट हाई है एंड बड़ा टाइम फ्रेम में प्राइस जाकर उसका लाइफ हाई को टेस्ट कर सकता है एंड जो लाइफ हाई का यहाँ पे लेवल बन रहा है नियरली 1160 क्योंकि उससे पहले कोई भी मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो स्टॉक को आपके रडार में रखिएगा, मल्टीयर का ब्रेकआउट के बाद प्राइस अभी रिटेस्ट करके उसका मेजर सपोर्ट के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है। उसके साथ अगर राशियो चार्ट देखेंगे, राशियो चार्ट से पता चलेगा कि स्टॉक का प्राइस आउट परफॉर्म कर रहा है या अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है। तो भारत इंजीनियरिंग वर्सेस निफ्टी 500 का राशियो चार्ट देखिए उसका मेजर सपोर्ट के आसपास ही ट्रेडिंग कर रहा है क्योंकि देखिए जो रेड लाइन जा रहा था ना प्रीवियसली, देखिए रेजिस्टेंस था, जब भी प्राइस रेड लाइन के आसपास जा रहा था वहां से स्टॉक का प्राइस अंडर परफॉर्म कर रहा था। किसको? निफ्टी 500 को। एग्जैक्टली 2023 में ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद जो रेजिस्टेंस था ए रेड लाइन ना अभी के लिए देखिए वो सपोर्ट बन गया है एंड एग्जैक्टली सपोर्ट लाइन के बाद यहाँ पे आउट परफॉर्म कर रहा है। हाई प्रोबेबिलिटी जिस टाइप का सेटअप शो कर रहा है यहाँ पे कंटिन्यूएशन ऑफ मूवमेंट आ सकता है, बस आपका काम है क्वांटिटी को मैनेज करना। आई होप आप डिटेल्स एनालिसिस समझ पा रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।